यूपी के हाथरस केस में सीबीआई ने 3 महीने बाद चार्जशीट दाखिल की। हाथरस की स्थानीय अदालत में संदीप, लवकुश, रवि और रामू के खिलाफ गैंगरेप हत्याओं और SC/ST एक्ट के धाराएं लगाई गई। गौरतलब है कि बीते 14 सितंबर को हाथरस की दलित युवती के साथ कथित उच्च जाति के 4 लोगों ने गैंगरेप किया था। युवती की 29 सितंबर को दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी। इसके बाद कथित तौर पर परिवार की मंजूरी के बिना यूपी पुलिस ने आनन फानन में युवती का दह संस्कार कर दिया था। वेस्ट बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी जो कि सीएम है उनको एक बड़ा झटका लगा है। लगातार उनके 3रे विधायक ने इस्तीफा दे दिया है। शुभेंदु अधिकारी जितेंद्र तिवारी के बाद शीलभद्र दत्ता ने आज TMC से इस्तीफा दे दिया। जानी मानी शख्सियत और दिल्ली संगीत घराने से जुड़े गायक उस्ताद इकबाल अहमद खान का निधन हो गया। दिल्ली घराने से ताल्लुक रखते थे उस्ताद इकबाल अहमद खान और अपने पिता उस्ताद चांद खान से उन्होंने मौसीकी की तालीम हासिल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कॉमेडियन कुणाल कामरा और कार्टूनिस्ट रचिता तनेजा को कोर्ट की अवमानना का नोटिस जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों से 6 हफ्ते में हर हाल में जवाब मांगा है। हालांकि दोनों को पुलिस स्टेशन में पेश होने की छूट दी गई है। दोनों के कथित तौर पर सुप्रीम कोर्ट के जजों के खिलाफ अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया था। किसान आंदोलन के चलते विपक्ष पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा कि किसानों की बातें करने वाले लोग कितने निर्दयी हैं, इसका बहुत बड़ा सबूत है स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट आई, लेकिन ये लोग स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों को 8 साल तक दबाकर बैठे रहे। इन लोगों ने ये सुनिश्चित किया कि इनकी सरकार को किसान पर ज्यादा खर्च न करना पड़े। दिल्ली विधानसभा में आज 2500 करोड़ के घोटाले को लेकर जमकर हंगामा हुआ। आम आदमी पार्टी ने BJP पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये 2500 करोड़ किसके थे, ये सफाई कर्मचारियों का पैसा था। अगर ये 2500 करोड़ का घोटाला ना होता तो सफाई कर्मचारियों डॉक्टरों को उनकी तनख्वाह समय पर मिल सकती थी। MCD में हुआ ये 2500 करोड़ का घोटाला इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला है। हम मांग करते हैं कि इसकी CBI जांच हो और जो भी दोषी हो उनको सख्त सजा दी जाए। जालसाजी के चलते कुछ अज्ञात लोगों ने वाराणसी के भेलूपुर थाने के जवाहर नगर कॉलोनी में स्थित प्रधानमंत्री कार्यालय की फोटो खींचकर OLX वेबसाइट पर 7.50 करोड़ में बेचने का विज्ञापन डाला। वहीं जालसाजों को यह विज्ञापन डालना महंगा पड़ा। पुलिस हरकत में आई और 4 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। लॉकडाउन और कर्फ्यू को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को कड़े निर्देश दिए। कोरोना महामारी के दौरान देश के कई हिस्सों में कई बार लॉकडाउन और कर्फ्यू लगाया गया। वहीं इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि कर्फ्यू या लॉकडाउन लगाने से पहले बकायदा अनाउंसमेंट करनी पड़ेगी और जनता को बताना पड़ेगा, उससे पहले लॉकडाउन या कर्फ्यू नहीं लगाया जा सकेगा। अपनी वेब सीरीज को लेकर विवादों में चल रही एकता कपूर जो कि एक निर्माता निर्देशक भी हैं, उन्हें बड़ी राहत मिली है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम एक वेब सीरीज में दिखाए गए आपत्तिजनक कंटेंट को लेकर उन पर मामला दर्ज किया गया था, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने उनकी गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की है। गौरतलब है कि एकता कपूर पर XXX अनस्कोर्ड वेब सीरीज के जरिए अश्लीलता फैलाने और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के साथ सेना का अपमान करने के आरोप लगे थे। एकता कपूर को आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है।